जैन सर, जिला अध्यक्ष मंडावी बोल रहे सर। हाँ, ये क्या नाम है कि उसका जो खड़े हैं ये? सर राहुल सिंह ठाकुर। अच्छा, ये जिस किस केस में ये यहाँ पर इस समय बंद हैं, ये बिलासपुर जेल में ना, सर जिस केस में ये वांटेड हैं, जिसमें इन्होंने जमानत की दरखास्त लगाई 296, 351, 2, 119 और 3, 5 ऑफ द BNS, तो इसमें इनकी जमानत यहाँ याचिका है। इसमें इनके 8 क्रिमिनल इतिहास है, सर प्रीवियस हमारे केसेस। सर हमारे रिकॉर्ड में अभी फिलहाल 6 है सर, जिसमें 4 में जमानत। 4 में जमानत हो चुकी है। सर अच्छा, और बाकी 2 में? बाकी एक यही वाला केस है सर, 492/24 है सर, अच्छा, और और प्रोडक्शन वारंट। जरा सर लाइए, ये जो इसमें 4 जो जमानत हो चुकी है, आपके पास डिटेल्स है मैडम? तो नो मैडम, हाउ डिड यू से दैट ही हैज क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स ऑफ 8 केसेस? मतलब जो रिकॉर्ड हमारे पास में आया था उसमें इनके 8 प्रीवियस एट रिकॉर्ड्स थे, ओनली 8 केसेस, उसका डिटेल्स नहीं दिया था। डिटेल्स नहीं था हमारे पास। अच्छा जेलर साहब, ये बताइए जो 4 केसेस में इनकी जमानत हो गई, वो किस सन के केसेस है और किस ऑफेंस में है वो? सर 24 केस है और 18 केस है सर, 2 केस सर 24 के 2 केस हैं। सर 2018 के 2 केस हैं सर, बाकी 2024 के हैं सर। अच्छा, किस ऑफेंस में है, किस ऑफेंस में है वो दोनों केस, 18 और 24 वाले? 379 है सर, 18 में सर, अच्छा, और 24 में सर 294 है सर, 2 केस सर, 294 के साथ और क्या क्या है? 506 भी है, और तीन एक सौ केस तीन सर 379 है अच्छा, सर। इसमें ये जमानत पे है इन चारों में हैं? एक केस में सर 2 स्मिथ है सर, थ्री सेवन एक केस 2 स्मिथ है सर, एक केस में। दोष दोष सिद्ध है, हाँ सर दो स्मिथ है सर, दोष मुक्त है कि दोष सिद्ध है? दो स्मिथ है सर, दोष मुक्त है। अच्छा, वो 24 वाला है कि 18 का है? 18 18 का है सर। का क्विटल हो गया। तो ये 4 और 2 केसेस और जो बचे, ये तो 4 आपने बताए, 2 और कौन से बचे आपने? 18 नहीं, का है सर और एक अभी वाला एक सर, वर्तमान सर वर्तमान, तो एक और बचा इनके खिलाफ, वो कौन सा है? 239/18 है सर, 379 का चोरी का है सर, 18 का प्रकरण है सर। तो इनके परिवार वालों को इसके डिटेल्स के बारे में नहीं पता है, जिसकी वजह से इनकी जमानत नहीं हो पा रही है? डिटेल्स इनसे पूछा था हम लोगों ने। चलिए ठीक है, आपने बता दिया मेरिट पे। वो क्या है आपकी तरफ से? अच्छा, कंप्लेनेंट के लिए कंप्लेनेंट किस ऑफेंस में है भैया? मतलब आप ऑब्जेक्टर हैं ना? पिटिशनर जी काउंसिल कहाँ गए? अमन शर्मा कल था ना, कल था ना, परसों कोई और खड़े हुए थे अमन या कोई शर्मा। और खड़ा हुआ था? रितेश वर्मा थे कोई। अच्छा, ये चोरी के केस में है, नहीं, प्रेजेंट प्रेजेंट ऑफेंस क्या है? मारपीट कर मारपीट में वो 327 होता है शायद जी ना, जी है ना, वही है ना? हाँ, और एक 327 सिमिलर नेचर का 2021 का है इनका, अच्छा, 410/2021, 21 का उसमें एक है इनका खिलाफ, 410/2021। इसका रिकॉर्ड जेलर साहब आपके पास नहीं है इसी तरीके के ऑफेंस का, 327 और का? 327 का और नहीं है सर, नहीं है क्वेश्चन का 410 हमने लगाया है सर उसमें आपने लगा रखा है? जी, अच्छा, FIR लगाई है और उसमें उनको बेल भी एलिगेशन दे क्या था, मतलब इनके खिलाफ जी। एलिगेशन क्या था इसके खिलाफ? अभी वाले में, हाँ, ये प्रेजेंट वाले में जिसमें आप प्रेजेंट अपोज वाले कर रहे में एलिगेशन ये है कि हमारी जमीन है, हैं। हमारी जमीन का इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था, अच्छा, फिर बाद में ये जब पैसा नहीं दिए तो हमने वो एग्रीमेंट को कैंसिल करा, और उसके संबंध में इन्होंने हमारे साथ मारपीट करी है और उसको ग्रैब करना चाहते हैं। और सिमिलर नेचर इंजरीज का, क्या थी, सिंपल है? सिमिलर नेचर का ऑफेंस है जिसमें 410 में इनको डिसऑनरेबल कोर्ट हैज ग्रांटेड दे बेल हाँ, विथ अ राइडर कि इट इज मेड क्लियर दैट इफ द एप्लीकेंट इज फाउंड इन्वॉल्व कहाँ इन पर है सिमिलर, वो कहाँ है? ये पेज नंबर 16 अलोंग विथ माय ऑब्जेक्शन 16 जी। लास्ट सेवेंथ पैराग्राफ में लिखा है कि ये इफ तो 1 लाख रुपए का बॉन्ड इससे भरवा दिया था। जी, बट क्योंकि इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री थी, प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री थी, और अगर ये था कि अगर सिमिलर नेचर का ऑफेंस होगा तो दैट बेल विल
विल बी कैंसिल्ड, वी हैव फाइल्ड द कैंसिलेशन ऑफ बिल दैट इज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सिंगल जज, क्योंकि अच्छा। ये सिमिलर नेचर का ही ऑफेंस जरा है। जेलर साहब इनसे पूछिए, ये इनका क्रिमिनल इतिहास इतना है और ये एक जमानत इनको हुई थी 410 सन 2021 को, नहीं, अरे दो क्राइम हजार नंबर में, और वो पुलिस स्टेशन सिकरी का था, सकरी का था, सक्रिय कर सकरी का था, और 294, 323, 327, 534 का। तो इसमें जो जमानत हाईकोर्ट ने इनको दिया था 4/5/23 को, तो उसमें ये एक इनके खिलाफ इनके लिए कंडीशन लगाई थी कि अगर इस तरह के अगर अपराध में फिर से ये अगर मतलब इन्वॉल्व होंगे तो इनकी बेल कैंसिल की जाएगी। तो ये तो फिर से इन्वॉल्व हुए इसी केस में, इनसे पूछे क्या कहना है इनका। सर, मैं जो वाले केस में, वाले केस में, ये वाला केस में किए नहीं हूँ सर। मैं तो घर में था, जो मेरे साथ में था वो भी, उसके भाई खत्म हुए थे तो हम लोग वहां थे। ये केस में मैं था ही नहीं। सर ट्रायल में क्या हो रहा है, ट्रायल में क्या हो रहा है इस केस में, ट्रायल में क्या हो रहा है? तो पता नहीं 410 सर, आप वाला नहीं था नहीं हमारा नहीं था। लेकिन द एक्यूज हैज बीन प्रोड्यूस्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड आफ्टर क्वेरी बीइंग मेड, इंटरेक्शन विद द मेड एंड फर्दर क्वेरीज बीइंग मेड फ्रॉम द डिप्टी जेलर है, डिप्टी आप डिप्टी जेलर हैं, जेल सुपरिंटेंडेंट सर, जेल जेल अधीक्षक सर, सुपरिटेंडेंट, क्या शुभ नाम है आपका? उमेश मंडावे। Such and such has identified the said accused, and counsel for the and it is argued that though the applicant is said to have some criminal antecedents, it has been informed by the superintendent of jail through by going through the record of the jail that the applicant is involved in six previous criminal cases, out of which two are under of the year 2018, and in one of the case he has been acquitted of the year 2018, and दो केस 224 के हैं जिसमें ही इज ऑन बेल, ठीक है ना। एंड द लर्नेड काउंसिल फॉर द ऑब्जेक्टर हैज सबमिटेड दैट हैज पॉइंटेड आउट दैट द एप्लीकेंट वाज इन्वॉल्व इन अ केस टाइम नंबर 410 और 2021 फॉर पुलिस स्टेशन सकरी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर फॉर ऑफेंस अंडर द 294, 323, 327, 564, 534 IPC एंड द बेल विच वॉज ग्रांटेड टू हिम MCRC नंबर 1603 ऑफ 2023 ऑन 4/5/23 बाय दिस कोर्ट वॉज गिवेन अलाउड बेल सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ही शैल नॉट बी इन्वॉल्व इन अदर इन सिमिलर ऑफेंस इन फ्यूचर एंड दस ही हैज ऑब्जेक्टेड दैट द प्रेजेंट ऑफेंस इज ऑफ सिमिलर नेचर हैज द बेल मे नॉट बी ग्रांटेड टू हिम But considering the fact and circumstances of the case and taking his previous antecedents, which have been explained by the jailer through video, going through the jail record and his jail plan, allow कर दो और इसमें कंडीशन वो हमारा वाला लगा देना सर, ठीक है, अलाउ। This may be observed that we have filed the bail cancellation in 410 officers of. It is also submitted a bail cancellation has been filed. In the same, but you are the complainant in that No, I case, am not the complainant, but since he has committed the same nature of crime with and me. it is stated that though the applicant complainant of the present case is not the complainant of the said case, and bail cancellation application has been filed. Chal, allowed. That will not affect हाँ, the bail cancellation will take its own. वो द बेल कैंसिलेशन शैल बी, इट इज मेड क्लियर दैट द बेल कैंसिलेशन व्हिच इज पेंडिंग शैल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट कंसर्न ऑन इट्स ओन ओन मेरिट्स। मैरिट आई एम ग्रेटफुल। चलिए बेल ग्रांट कर दिया इनको, कहिए सही से रहेंगे बाहर से भी। हाँ जो हो गए पढ़ लिखे यस आइटम 30 से पुनीत रूपारे और इनके तरह एप्लीकेंट काउंसिल अपील नहीं हुआ लेकिन क्या सेक्शन 88 एंड